मैं उर्वा और फरहान के लिए कहूँगी कि इन लोगों ने अपने मेहनत से पैसे जमा किए हैं अपनी एक्टिंग अपने म्यूज़िक करियर के बाद और उसके बाद फिल्म बनाई है, सो लोगों को इस चीज़ का रिगार्ड करना चाहिए. yes. है ना कि ये वो कहते हैं ना छोटे छोटे पैसे जमा करके सब घर बनाता है बंदा. सो ये मैं ऑडियंस को काफ़ी छोटे नहीं थे पैसे मतलब लाइक इनका तिनका मुहावरा था ना. सो अच्छा अब मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि एज प्रोड्यूसर आपने क्या स्ट्रगल देखी फिल्म बनाने में, क्या स्ट्रगल थी आपकी? चप्पलों में जाती थी तुम? दो वाली चप्पल होती थी, बहुत ठंड थी. जॉगर्स होते थे एक मेरे और एक शॉल होती थी और कासिम जो है वो मुझे चौधरी साहब बुलाते होते थे. एक टोपी होती थी और बस वो एक ही मेरा एक यूनिफॉर्म सा बन गया था क्योंकि जाहिर है आपको हर चीज़ में इन्वॉल्व होना होता है, आउटडोर काम है बहुत सारा. एंड आई मीन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके डोमेन में नहीं आती. एवरी प्रॉब्लम इज़ योर प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व इट एवरी डे. और जितना भी आप प्रिपेयर्ड जाओ ऑन अ प्रोडक्शन, आई फील रोज़ के कुछ ना कुछ ऐसा होता है, यू हैव डन इट यू नो, तो वो आपको साथ साथ पूरी टीम को लेके चलना होता है. लेकिन मैं ये भी फील करती हूँ कि इस प्रोसेस से आई हैव ग्रोन इनटू अ डिफरेंट पर्सन एंड अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर एक्टर. क्योंकि अब जो है ना वो जब आप कोई मुश्किल चीज़ कर लेते हो ना तो फिर ये जो बेसिक चीज़ है वो आपको लगता है हाँ इट्स अ पीस ऑफ केक यू नो. एंड आई ऑल्सो फील आई एम वे मोर ग्रेटफुल अबाउट बींग एन एक्टर एंड बींग समबडी हु इज़ अ पार्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज थ्रू सिनेमा यू नो. बिकॉज आई इतना आप जब डीपली उस प्रोसेस को देखते हो और उसका हिस्सा बनते हो ना तो फिर एक अटैचमेंट भी थोड़ी फर्क हो जाती है. अच्छा जो हमने ट्रेलर देखे ना उससे नज़र आ रहा है हमारा जो बहुत कलरफुल कल्चर है पंजाबी कल्चर. हमें मौका मिला है कि हम अपने कलर्स को दिखा सकें. सो आप लोगों ने जब स्टोरी डेवलप कर रहे थे तो ये कैसे सोचा कि हम पंजाबी कल्चर जो है उसको मर्ज करते हैं एक मॉडर्न कल्चर के साथ? जब हम स्टोरी को बहुत ज़्यादा इससे पहले दो तीन और स्क्रिप्ट्स पे भी हम काम शुरू कर चुके हुए थे शूटिंग साथ स्टूडियोज का, मगर किसी तरह ये स्टोरी जो फैजान इफ्तिखार ने लिखी थी वो हमें बहुत कनेक्ट इसलिए की कि जिस तरह से हमारी जो कल्चर की मॉरल वैल्यूज़ हैं, जिस तरह के लोग हम हैं एक्चुअली, पंजाब ऑलरेडी एक बहुत कलरफुल सा एनवायरनमेंट है जी जी. और पंजाब के अपने रंग मतलब चारों मौसम उन मौसमों की शिद्दत और उनके अंदर सीजनल जैसे कपड़े बहार खिजां. सो फिल्म के अंदर आपको ये चारों चीज़ें और ये चारों कलर पैलेट भी देखने को मिलेंगे. और जहाँ तक बात रही पूरी वो प्रोडक्शन डिज़ाइन की, तो वो एक पूरा प्रोसेस है वो स्क्रिप्ट से लेकर उसकी फाइनल स्क्रीन को देखना. हम तो मेसमराइज्ड हो जाते हैं आज भी कि जब हम वो नैरेटिव करते थे और हमारे इंटरवल सीक्वेंसेस और उनकी वो सारी चीज़ें. एक चीज़ में हम बहुत ज़्यादा अच्छे थे जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि फरहान साथ थे तो हम जैसे जैसे अपना स्क्रिप्ट कर रहे थे हम वैसे वैसे म्यूज़िक भी साथ ले कर चल रहे थे. अच्छा सर, म्यूज़िक में आपका अमल दखल है इसमें? ये मुझे नहीं पता. मैं चाहती हूँ कि लाइक म्यूज़िक में जो मेरी टीम है जिसके साथ मैं काम करता हूँ उनको ही मैंने इन्वॉल्व किया था. लेकिन वो बिकॉज स्क्रिप्ट जब हम पढ़े थे तो हमें सिचुएशन पे गाना कैसा चाहिए क्या चाहिए, आई थिंक वो हमें फ़ायदा हुआ. हम सब भी म्यूज़िकल माइंड वाले लोग हैं तो मेरा ख्याल है हमने काफ़ी मेहनत की म्यूज़िक पे और हमें तो लगता है अच्छा. मुझे लगता है क्योंकि मुझे लगता है फिल्म और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में फ़र्क ये है कि जो फिल्म का म्यूज़िक है वो उसमें पिरोया हुआ लगना चाहिए. देखुल, देखुल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हिट गाना है तो बस वो डाल दो. तो वो हर सिचुएशन पे जो गाना है वो सिचुएशन वाइज है, वो फिल्म के नैरेटिव में भी बहुत हेल्प करता है. तो अल्लाह करे लोग भी इसी तरह कनेक्ट करें जैसे हमें लगता है कि हमने किया है. तो म्यूजिक हेल्प हो जाती है किसी को नैरेट करते हुए, किसी को फिल्म सुनाते हुए, या अपने लिए कि इधर ये गाना है, वो गाने के बाद सिचुएशन कितनी आगे गई है. तो इट्स हेल्पफुल इन एवरी वे. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन. Subscribe to the ARY Digital YouTube channel for more entertaining content.